हम सब लोगों को हमेशा हमारी ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए होता है, जिसके लिए न जाने हम क्या-क्या करते हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे पांच पैरानॉर्मल गेम्स बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। मगर हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन खेलों को खेलते हुए आपकी जान भी जा सकती है। इस खेल को खेलने के लिए आपको चाहिए एक मोमबत्ती, आपका एक बूंद खून, एक पेपर, थोड़ा नमक और एक माचिस का डब्बा। सबसे पहले आपको आपका नाम पेपर पर लिखना होगा। उसके बाद उस पेपर पर अपनी खून की कुछ बूंदें गिराइए। इसके बाद उस पेपर को आप अपने घर के मेन एंट्रेंस के ठीक सामने रख दीजिए और एक जलती हुई मोमबत्ती उस पेपर के ठीक ऊपर। उसके बाद 22 बार उस दरवाजे को खटखटाइए, फिर दरवाजा खोलकर सारी मोमबत्तियां बुझा दीजिए। बस शुरू हो गया ये मौत का खेल, क्योंकि मिडनाइट मैन आपके घर में आ चुका है। अब आप दरवाजा बंद कर मोमबत्तियों को फिर से जला दीजिए। फिर आप पूरे घर में मोमबत्ती के साथ घूमिए। अगर बीच में आपकी मोमबत्ती बुझी तो समझ लीजिए मिडनाइट मैन आपके बेहद पास है। अगर आप 10 सेकंड के अंदर मोमबत्ती नहीं जला पाए तो मिडनाइट मैन आपको बुरी तरह से डरा देगा। उससे फिर से बचने के लिए आप एक नमक से बने घेरे में खड़े हो जाइए। रात के ठीक 3:33 पर यह गेम खत्म हो जाएगा और मिडनाइट मैन अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। इस गेम को खेलते वक्त अगर आपने गलती से भी घर की कोई और लाइट जला दी या फिर आप बीच खेल में ही सो गए तो मिडनाइट मैन आपके साथ कुछ बुरा करेगा। कितना बुरा कोई नहीं बता सकता। ये गेम कोरिया में शुरू हुआ था। कोरियंस के हिसाब से अगर आप इसे ठीक से कर पाए तो आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक बिल्डिंग ढूंढनी होगी जो कम से कम 10 मंजिल बड़ी हो और जिसमें एक लिफ्ट हो। लिफ्ट में जाकर आपको सबसे पहले फोर्थ फ्लोर पर जाना है, उसके बाद फिर सेकेंड फ्लोर पर, फिर सिक्स्थ फ्लोर और एक बार फिर सेकेंड फ्लोर। इसके बाद 10th फ्लोर, फिर नीचे 5th फ्लोर। लोगों के हिसाब से 5th फ्लोर पर एक सुंदर लड़की लिफ्ट में आती है, मगर आपको ना ही उसकी तरफ देखना है और ना ही बात करना है। लिफ्ट में एक आखिरी बार आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाला बटन दबाना होगा। कहानी के हिसाब से लिफ्ट आपको फर्स्ट फ्लोर की जगह 10th फ्लोर पर लेकर आएगा। दरवाजा खुलते ही आप इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके होंगे। वापस आने के लिए आपको इस चीज को उल्टा करना होगा। मगर लोग कहते हैं कि एक बार उधर जाने के बाद वापस आ पाना लगभग नामुमकिन है। ऊर्जा बोर्ड गेम के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा जाना जाने वाला हॉरर गेम है, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। इस गेम को खेलने के लिए आपको ये ऊर्जा बोर्ड चाहिए होगा और कम से कम 2 लोग। इस गेम के जरिए आप भूतों से बातें कर सकते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स मानते हैं कि इस गेम को खेलते वक्त अगर आपने गलती से भी किसी आत्मा को गुस्सा दिला दिया तो आपकी जान भी जा सकती है। इस डरावने खेल को आप सिर्फ साल में 2 बार खेल सकते हैं, 25 दिसंबर या फिर होली फ्राइडे के दिन। इस खेल को खेलने के लिए
आपको एक आईना और 12 मोमबत्तियां चाहिए होंगी। उसके बाद घर के सारे लाइट्स को बुझाकर आपको आईने में बिना पल के झपकाए डेविल शब्द को 12 बार बोलना होगा। अगर ये आपने ठीक से किया तो आपको कुछ ही मिनटों में डेविल का डरावना चेहरा देखने को मिलेगा। इस खेल को खेलने का सबसे सही वक्त सुबह के 3 बजे है, क्योंकि माना जाता है कि सुबह के 3 बजे सारी शैतानी ताकतें और ताकतवर हो जाती हैं। लोग मानते हैं कि इस खेल को खेलने के बाद वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, बहुत डरावनी हरकतें। दारुमा एक जापानीज लड़की का नाम था जिसके बाथरूम में गिरने की वजह से मौत हो गई थी। इस गेम को खेलने के लिए रात को ठीक 12 बजे आपको आपके बाथटब में लेटकर बंदाकों के साथ 3 बार कहना होगा, दारुमा कम, दारुमा कम, दारुमा कम। इसे कहने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई और भी आपके अलावा आपके साथ बाथटब में लेटा हुआ है। उसके बाद आप बहुत आराम से उस बाथटब से बाहर निकल जाइए। अब दारुमा की आत्मा आपको अगले 24 घंटों तक बहुत डराएगी। अगर वो आपके ज्यादा पास आ जाए तो आपको कहना होगा टमारे, जिसका मतलब होता है दूर हो जाओ। अगले रात ठीक 12 बजे आपको दारुमा को अपने आसपास बुलाकर आईने में देखते हुए कहना है किटा। तो ये डरावना खेल उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे ठीक से नहीं कर पाए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दारुमा की आत्मा आपको आपकी मौत तक डराती रहेगी। For more such interesting topics, please subscribe my channel and share the video to your friends. Thanks a lot. Thanks for watching. Please like, please share, please subscribe my channel Mysterious Planet. Bye bye.